गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास प्लस टू. यस्टरडे वी हैड डिस्कस अबाउट एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, जिसमें हमने कनिंघम के बारे में भी पढ़ा था. आई होप यू आर अंडरस्टूड अबाउट दैट टॉपिक. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम योर एनसीईआरटी पेज नंबर 22-24. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट. प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट. इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि एक आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब वो पास्ट के बारे में कुछ पीसेस वगैरह को इकट्ठा करता है या पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है. तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ क्लासिफाइंग द फाइंड्स. क्लासिफाइंग द फाइंड्स मीन्स जो भी आर्कियोलॉजिस्ट को रिमेन्स मिलते हैं, कोई फाउंड आइटम मिलती हैं, उसको वो कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. मेनली जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है डैट इज़ मटेरियल बेस्ड. अगर कोई भी रिमेन किसी आर्कियोलॉजिस्ट को मिलता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है. और वो मटेरियल, ये जो क्लासिफिकेशन है ये सिंपल वे का क्लासिफिकेशन है. और जो मटेरियल उन्हें मिलते थे वो कौन से होते थे, या तो वो स्टोन हुआ करता था, या वो मेटल के होते थे, या क्ले के होते थे, या आइवरी के. आइवरी एक टाइप का स्टफ होता है, क्लोथ होता है, उसको आइवरी कहते हैं. और ये आइवरी कैसे उन्हें मिली होगी, जो भी उन्हें स्टैचू वगैरह मिले तो हो सकता है कि उनके ऊपर आइवरी से क्या किया होगा, कवर अप किया होगा, इसलिए उन्हें आइवरी वहाँ पे फाउंड हुई. तो सबसे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन किया वो क्लासिफिकेशन था मटेरियल बेस्ड, यानी कौन सा जो भी उन्हें ऑब्जेक्ट मिला है वो कौन से मटेरियल से बिलोंग करता था. सेकेंड जो क्लासिफिकेशन था दैट इज़ कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन. कॉम्प्लेक्स वे में हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि उन्हें जो मिला वो क्या था, टूल था, वो किस चीज़ का बना हुआ था, ऑर्नामेंट थे यानी ये कोई ज्वेलरी है या कुछ और है, कोई आर्टिफैक्ट्स है तो ये क्या आर्टिफैक्ट्स है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो वो यूटिलिटेरियन नेचर का है या कोई लग्जीरियस नेचर का है. तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स वे में क्या किया जाता था, क्लासिफिकेशन किया जाता था कुछ फाउंड आइटम्स या रिमेन्स का. फिर ये देखा जाता था कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमें मिला कहाँ से, वेयर टू बी फाउंड, ये हमें मिला कहाँ से, कहाँ कहाँ से मिले थे हमें ऑब्जेक्ट्स, ग्रेव से, हाउसेस से, ड्रेनिंग सिस्टम से यानी ड्रेन पाइप से, एक्सेट्रा. इस क्लासिफिकेशन के बाद एक और क्लासिफिकेशन आता है, वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ कॉटन ट्रेसेस भी मिले थे, यानी कुछ कॉटन के ट्रेस आए थे. वो कैसे आए थे, जब उन्होंने स्कल्पचर्स को रीड आउट किया था, स्कल्पचर्स को स्टडी किया था, तब उन्हें क्या मिले थे, कॉटन स्पिंडल मिला था. ये जो कॉटन स्पिंडल था ये किसका बना हुआ था, क्ले का बना हुआ था, यानी ऐसा माना गया था आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उन्हें कॉटन से कॉटन क्लोथ को बनाना आता था, इसलिए उन्हें कॉटन स्पिंडल को पता था कि कैसे यूज़ किया जाता है. इसलिए उन्होंने क्या बना रखा था, एक क्ले आइटम से कॉटन स्पिंडल को बना रखा था जिसके ट्रेस मिले थे. ये सारे के सारे जो फाइंड्स थे, रिमेन्स थे, जिनको हमने क्लासिफाई किया, ये क्या करते थे, ये हिस्ट्री को समझने के लिए क्या करते थे, हेल्पफुल होते थे. इससे हमें पता चलता था, यानी एक हिस्ट्री का मेज़र पाया जाता है टाइम एंड प्लेस. हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए टाइम एंड प्लेस इज़ द
most important measure to study history. मीन्स इन सारे ऑब्जेक्ट्स इन रिमेन्स की क्लासिफिकेशन के बाद जो एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती थी हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए पास टाइम को के बारे में जानने के लिए वो क्या होता था टाइम पीरियड और प्लेस भी वो कहाँ से मिली है ऑब्जेक्ट ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करता था और कार्बन डेटिंग प्रोसेस की वजह से हमें ये पता चलता था कि जो पर्टिकुलर आइटम है वो कितनी टाइम पीरियड पुरानी आइटम है तो इससे हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलता था. तो जो ये हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट यानी पास्ट के बारे में पता लगाना. तो सबसे पहले वो क्या करते थे क्लासिफिकेशन किया करते थे ऑब्जेक्ट्स का जिसमें वो मटेरियल बेस्ड किया करते थे यानी ये देखा करते थे कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उन्हें मिला है वो किस मटेरियल से बना हुआ है या फिर वो ये देखते थे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो है क्या आर्टिफैक्ट्स है या कोई यूटिलिटेरियन आइटम है या कोई लग्जीरियस आइटम है या कोई टूल है या कोई ऑर्नामेंट है जिसको कोई किंग वगैरह या रॉयल पीपल जो थे वो पहना करते थे. फिर ये देखा जाता था कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं और कुछ कॉटन के ट्रेसेस भी मिले जिसमें सबसे बड़ा ट्रेस ये था कि कॉटन स्पिंडल का आर्टिफैक्ट्स मिला था क्ले का बना हुआ. और जो टाइम और प्लेस है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हमारे पास्ट के बारे में बताने के लिए. अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशंस problems of interpretation. अब हमने ये पता लगा लिया कि ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता था रिमेन्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता था उससे क्या क्या पता कैसे पता चलता था. फिर ये प्रॉब्लम आती थी आर्कियोलॉजिस्ट के सामने कि जो ये ऑब्जेक्ट से प्रूफ मिलते थे वो आखिर इंटरप्रिटेट क्या करना चाहते हैं वो हमें क्या बताना चाहते थे. तो कुछ इंटरप्रिटेशन के टाइम भी प्रॉब्लम्स हुई. अब हम वो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड चल रहा था उसमें कुछ आर्टिफैक्ट्स ऐसे मिले थे जो क्या किसको शो करते थे रिलीजियस फिगर को शो करते थे यानी ये भी बताया जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम रिलीजन भी क्या हुआ करता था उनके जीने का एक सलीका हुआ करता है यानी वो धर्म में और रिलीजन में क्या किया करते थे विश्वास किया करते थे. इसके लिए कैसे ये बात हमें कैसे पता चली वहाँ पे एक टेराकोटा की फिगर मिली यानी क्ले की फिगर मिली और वो जो फिगर थी वो फीमेल फिगर थी और उसके सिर के ऊपर एलैबोरेटिव यानी थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर क्या था हेडबैंड लगाया गया था. सिर पे जो हम बैंड लगाते हैं वो हेडबैंड लगाया गया था और ऐसा कहा जाता है. और उस फिगर ने फीमेल फिगर ने क्या पहनी हुई थी ज्वेलरी पहनी हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो इस मूर्ति की या इस टेराकोटा फिगर की पूजा किया करते थे. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो थी उनकी एक गोडेस थी. क्या थी गोडेस थी जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा है उनकी मदर गोडेस कहा है क्योंकि ये ऐसा ही स्ट्रक्चर था जैसे हमारी गोडेस के स्ट्रक्चर होते हैं कि वो बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट होती हैं और उन्होंने ज्वेलरी पहनी होती है काफ़ी सारी और उनके सिर के ऊपर एक क्राउन जैसी शेप का कुछ होता है. ऐसे ही जो टेराकोटा फिगर मिली थी वो भी क्या थी एक फीमेल फिगर थी उसने काफ़ी सारी ज्वेलरी पहनी हुई थी और उसके सिर के ऊपर क्या था एक एलैबोरेटिव बड़ा सारा हेडबैंड था जैसे कि आपकी बुक में पेज नंबर 23 की फिगर नंबर 1.26 पे दिखाई गई है. उसे उन्होंने यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों की मदर गॉडेस है. तो यहाँ से हमें एक प्रूफ ये मिल जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो क्या थे रिलीजियस पीपल थे यानी वो धर्म में विश्वास किया करते थे. और दूसरा हमें ये पता चला हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा कि मोहनजोदारो में एक पैलेस था जहाँ पर प्रीस्ट किंग की क्या मिला था स्टैचू मिला था. क्या मिला था प्रीस्ट किंग का स्टैचू मिला था और ये जो स्टैचू था वो एक योगिक पोस्चर में था यानी योगा के पोस्चर में था. और ये कहा जाता है कि ये जो प्रीस्ट किंग थे वो क्या थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेल गॉड थे. क्या थे मेल गॉड माने जाते थे और इन्हें किस नाम से बुलाया जाता था प्रोटो शिवा के
नाम से जाना जाता था। और ये सारी बातें कहाँ से पता चली? ये सारी बातें उनकी सील से पता चली, उनकी सील में ही ये सब कुछ मेंशन था। और ये जो प्रीस्ट किंग थे, ये क्या थे? एक सील पे बने हुए थे, मतलब एक सील पे भी इनके बारे में बताया गया था। और उसमें ये योगा पोस्चर में थे, और इनके सराउंडिंग में कौन थे? एनिमल्स थे, यानी इनकी चारों तरफ कौन थे? एनिमल्स थे। तो इसे इन्हें क्या कहा जाता था उस टाइम के? पशुपति भगवान कहा जाता था, पशुपति भगवान कहा जाता था, और इनकी पूजा की जाती थी, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने एज्यूम किया। और हमने जब टाउन्स के बारे में पढ़ा था, जब हमने सिटाडल और लोअर टाउन के बारे में पढ़ा था, तो हमने सिटाडल में ग्रेट बार सिस्टम के बारे में पढ़ा। ग्रेट बार सिस्टम और जो फायर अल्टर्स थे, वो भी क्या बताते हैं? रिचुअल्स के बारे में बताते थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो क्या थे? रिलीजियस पीपल थे। और कुछ सील्स ऐसी भी मिली जो रिलीजन को डिपिक्ट करती हैं, यानी रिलीजन के बारे में बताती हैं। तो इन सील से भी हमें ये प्रूफ मिल जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो काफ़ी रिलीजियस पीपल थे। और कुछ सील्स पे हमें प्लांट्स वगैरह की भी पिक्चर्स मिली, तो इससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग, यानी हड़प्पन लोग जो थे, वो नेचर की भी पूजा किया जा करते थे, यानी नेचर को भी एज अ गॉड ट्रीट किया करते थे, जैसे प्लांट की पूजा करते थे, जैसे हम करते हैं पीपल के पेड़ की पूजा और तुलसी की पूजा। तो वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी क्या था? नेचर को भी एज अ गॉड ट्रीट किया जाता था। और कुछ यूनिकॉर्न ट्रेसेस भी मिले। यूनिकॉर्न क्या था? एक तरह का बीस्ट था, जिसके बीस्ट यानी जंगली जानवर था, जिसके सिर पर क्या हुआ करते थे? सींग हुआ करते थे। यानी उस टाइम पे भी क्या था? ये यूनिकॉर्न पाए जाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम, और इनकी पूजा की जाती थी, जैसे भगवान के साथ उनके जानवरों की भी पूजा की जाती है, जैसे शेरावाली माता के साथ शेर की पूजा हो गई, गणपति जी के साथ चूहे की पूजा होगी। तो ऐसे ही इन ट्रेसेस से पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो क्या थे? रिलीजियस पीपल थे। तो काफ़ी सारे हमें प्रूफ मिले इस बात के लिए। अब हम बात करेंगे योगिक फिगर के बारे में, जिसकी हमने पहले बात की थी, डैट इज़ प्रोटो शिवा। जो योगिक फिगर मिली थी, जिसे हम प्रोटो शिवा के नाम से जानते हैं, ये क्या मिली थी? एक सील पे भी मिली थी। और इन्हें क्या कहा गया था? मैंने अभी पहले भी बताया, पशुपति गॉड कहा गया था। और कुछ स्टोन्स ऐसे मिले जिसपे लिंगाज की पिक्चर मिली। लिंगाज मतलब शिवलिंग, यानी जो शिव भगवान को डिपिक्ट करते हैं। ऋग्वेद में, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में भी क्या हुआ? ऋग्वेद जो 1500 टू 1000 BCE टाइम पीरियड के दौरान था, उस टाइम पे क्या किया जाता था? गॉड रुद्र की, यानी अल्टीमेटली शिव भगवान की पूजा की जाती थी। तो ये भी सारी चीज़ें कहाँ मिली? हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम मिली। लेकिन जो प्रोटो शिवा सील मिली थी ना, वो सील ऐसी सील थी जिसमें योगिक फिगर मिली, सराउंडेड बाय एनिमल्स। तो प्रोटो शिवा सील में हम ये नहीं कह सकते जो योगिक फिगर थी वो शिव भगवान की थी। क्यों? क्योंकि जो ऋग्वेद में गॉड रुद्र के बारे में बताया गया था, तो उसमें प्रोटो शिवा सील जो थी वो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं होती थी, मैच नहीं होती थी। क्योंकि योगिक फिगर जो पाई गई थी प्रोटो शिवा की, उसमें क्या थे? वो सराउंडेड थे एनिमल्स के द्वारा। तो इसलिए ऋग्वेद जो है वो प्रोटो शिवा सील से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता, नो रिलेशन। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि उनके दो भगवान हुआ करते थे, एक गोडेस और एक गोड। जो गोडेस थी वो उनका एक स्टैचू बनाया गया था, और उनके सिर पर एक बड़ा सारा हेडबैंड लगाया गया था, काफ़ी ज्वेलरी थी, उन्हें वो मदर गोडेस के नाम से जानते थे। और दूसरे थे प्रोटो शिवा सील के द्वारा उन्हें पता चला, और प्रीस्ट किंग के स्टैचू के द्वारा पता चला कि वहाँ पे एक मेल गोड भी हुआ करते थे। लेकिन ये जो शिवा सील थी, ये शिव भगवान की सील नहीं थी, ये ऋग्वेद ने प्रूफ कर दिया, ये इनके पशुपति गोड ही थे, और ये शिव भगवान से काफ़ी अलग थे।
और एक बात और प्रूव हुई प्रोटो शिवा सील के बारे में, वो क्या थी कि प्रोटो शिवा सील जो थी वो शमन जैसी थी, यानी वो जो सील थी वो ये बताती थी कि जो प्रोटो शिवा थे वो शमन थे। कैसे पता चला? शमन क्या होता है? शमन सबसे पहले हम पता करते हैं कि वो क्या होता है। ये होते हैं मैन या वुमेन का एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वो मैन भी हो सकता है और वीमेन भी हो सकती है, और उनके पास क्या होती है? सुपर नेचुरल पावर होती है। क्या होती है? सुपर नेचुरल पावर, यानी ऐसी पावर जो दूसरे लो दूसरे प्लैनेट से क्या कर सकती हैं, बातें कर सकती हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि जो इस धरती पर रह के दूसरी जगह बात कर सकते हैं, भगवान से रिलेट कर सकते हैं, भगवान से बातें कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है सुपर नेचुरल पावर। यानी जो भूत प्रेत में विश्वास करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शमन कहा जाता है। तो प्रोटो शिवा को क्या कहा गया है यहाँ पर? शमन कहा गया, लेकिन वो रुद्र भगवान नहीं माने गए ऋग्वेद के अकॉर्डिंग। ये तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो रिलीजियस थे काफ़ी। तो हमें ये इंटरप्रिटेशन हुई, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी इंटरप्रिटेशन के टाइम कि वो जो उनके गॉड थे वो इतने ही थे, ये दो ही थे या इससे भी ज़्यादा। तो ये दो गॉड के बारे में ही डिपिक्ट हो पाया। आज का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, जिसमें हमने ये देखा कि जो पास्ट था उसके बारे में कैसे पता लगाया जाता है। सबसे पहले जो रिमेन्स होते हैं उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, फिर उसके टाइम और प्लेस के बारे में जाना जाता है, और फिर उसको क्या किया जाता है? इंटरप्रेट किया जाता है। और इंटरप्रिटेशन के टाइम हमें क्या पता चला? हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ अ रिलीजियस सिविलाइजेशन। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। प्लीज़ इसके नोट्स साथ साथ बना लें, और यहाँ आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। If you have any doubt in any topic of this chapter, please let me know about this. We will discuss later. If you have no doubt, then we will start our next chapter in our next video. Okay, beta. Thank you.